सफा बैतुलमाल गुलबर्गा एक ऐसा इदारा है जो गरीबों की मदद के लिए हमेशा हाथ आगे बढ़ाता है। सफा बैतुलमाल गुलबर्गा कई एक इमदादी समाजी फलाही काम अंजाम दे रहा है। सफा बैतुलमाल गुलबर्गा की जानिब से पिछले 8 माह से मरीजों और उनके रिश्तेदारों को रोजाना खाना और पीने का फिल्टर पानी सरबराह किया जा रहा है। इसके अलावा गरीब मरीजों को इमरजेंसी हालात में अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की सहूलत भी है। सफा बैतुलमाल ने कोकण महाराष्ट्र के सैलाब से मुतासर इलाकों में मुतासरीन को कपड़े और खाने पीने के सामान से इमदाद करते हुए इंसानी हमदर्दी की आला मिसाल कायम की। सफा बैतुलमाल गुलबर्गा की जानिब से गरीबों बेवाओं की मदद करने के साथ साथ गरीब मरीजों के इलाज के लिए भी इमदाद दी जाती है। सफा बैतुलमाल गुलबर्गा की जानिब से गरीब खवातीन और लड़कियों को टेलरिंग की तरबियत भी दी जाती है ताकि कपड़े सीकर खवातीन घर के छोटे मोटे अखराजात पूरी कर सकें। चितापुर के अलावा गुलबर्गा शहर में सफा बैतुलमाल गुलबर्गा के 4 टेलरिंग सेंटर चलाए जाते हैं। सफा बैतुलमाल गुलबर्गा के सदर मौलाना नजीर अहमद रिशादी ने बताया कि सफा बैतुलमाल ट्रेनिंग सेंटर से अब तक 4000 से ज्यादा लड़कियों और खवातीन ने टेलरिंग की तरबियत हासिल की। इतवार 26 दिसंबर को दोपहर 2:30 बजे सादत फंक्शन हॉल गुलबर्गा में जलसा तकसीम असनाद मुनाकिद हुआ, जिसमें अकबर बाग, मिल्लत नगर, नया मोहल्ला, संतरासवाड़ी में चलाए जा रहे सफा टेलरिंग सेंटर्स में टेलरिंग की तरबियत हासिल करने वाली 130 लड़कियों और खवातीन को सर्टिफिकेट्स दिए गए। 6 गरीब खवातीन को सिलाई मशीनें भी दी गईं। ये मशीनें अब्दुल वहीद साहब और मुन्ना धारवाड़ के माली टाउन से गरीब खवातीन को दी गईं। सफा बैतुलमाल गुलबर्गा की जानिब से अहले खैर अजरात के ताउन से गरीब खवातीन को सिलाई की मशीनें भी दी जाती हैं। ऑल इंडिया सफा बैतुलमाल के सदर मौलाना गयास अहमद रिशादी साहब ने जलसे में सिलाई मशीनें और सर्टिफिकेट तकसीम किए। इस मौके पर खवातीन के कसीर इज्तिमा को मुखातिब करते हुए खवातीन को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाते हुए कहा कि माशरे की इस्लाह में खवातीन अहम किरदार अदा कर सकती हैं। उन्होंने खवातीन को नसीहत की कि वो खुद खुश रहना और दूसरों को खुश करना सीखे, यही घर को जन्नत बनाने का बेहतरीन फॉर्मूला है। मौलाना गयास अहमद रिशादी ने सास बहू, ननद भावज और मियां बीवी के रिश्तों का एहतराम करने की खवातीन को तलखीन की और कहा कि हर हाल में राजी बा रजाए इलाही रहना सीखे। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब खतीब व इमाम मस्जिद हुसैनी आलम गुलबर्गा, मौलाना मोहम्मद गौसुद्दीन खासमी सदर ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल जिला गुलबर्गा, मौलाना शफीक अहमद खासमी सेक्रेटरी जमीयत उलमा ने भी मुखातिब किया। मौलाना नजीर अहमद रिशादी सदर सफा बैतुलमाल गुलबर्गा ने खैर मकदम किया। सीनियर सहाफी अजीजुल्ला सरमस्त, इंजीनियर सुफियान, निजामुद्दीन ने मेहमाना ने खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सफा बैतुलमाल शाह गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम आज प्रोग्राम हुआ। माशाल्लाह से मदरसे के तलबा का प्रोग्राम भी हुआ और जिन्होंने टेलरिंग सेंटर में तरबियत हासिल की और 130 खवातीन को जो यहाँ सनद दी गई है, ये सफा बैतुलमाल का अहम इकदाम इसलिए है कि औरतों को जो है उनका मईशत के सिलसिले में मुस्तहकम बनाया जाए और खवातीन खुद अपने घर में बैठ कर टेलरिंग के ज़रिए से अपनी रोज़ी रोटी कमा सकते हैं और थोड़ा बहुत उनको सपोर्ट हो जाता है अपने घरों की ज़रूरियात के लिए, क्योंकि गुर्बत का भी मसला है और ख़ुद अपने कपड़े घर के और दूसरे लोगों के कपड़े भी सियेंगे तो इंशाल्लाह माहाना 2000-4000 कमा भी सकते हैं। यही मकसद है सफा बैतुलमाल के खवातीन को हुनरमंद बनाया जाए और सफा बैतुलमाल शाह गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम माशाल्लाह से लंगर का भी निज़ाम है, रोज़ाना 300 बीमारों को खाना भी खिलाया जा रहा है, बेवाओं में वज़ाइफ तकसीम है, रमज़ान में राशन तकसीम किया जाता है। इसके अलावा बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जो सफा बैतुलमाल के मेहनत करे हो रहे हैं जिनसे आवाम वाकिफ़ हैं। हम आवाम से ये दरख्वास्त करते हैं कि इस किस्म के अहम तरीन कामों में वो माली तौर पर तआवुन करें। 10 इस्लाह माशरा बराए ख़वातीन रखा गया जिसमें मरकजी सदर मौलाना गयास साहब रशादी की सदारत में
ये प्रोग्राम था। माशाल्लाह ये प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा और आज के प्रोग्राम में 130 खवातीन को असनादा तकसीम किए गए और 6 मशीनें अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम की गई। और हमारा मकसद ये है कि औरतों को खुद कफील बनाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े अव्वल से सफा बैतुल माल इस काम में लगा हुआ है। हमारा इरादा है कि इंशाल्लाह आइंदा मजीद जो है ना ऐसे जो है निज़ाम टेलरिंग सेंटर कायम किए जाएँ। हमारी ये कोशिश जारी है, अल्लाह ताला सब के ताउन को कबूल फरमाए। सफा बैतुल माल का टेलरिंग प्रोग्राम का सर्टिफिकेट का प्रोग्राम था, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और 130 लोगों को सर्टिफिकेट दिया गया और 6 लेडीज़ को मशीनें दिए गए। सफा बैतुल माल का काम माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है, उनका लंगर भी चल रहा है हॉस्पिटल्स में, रोज़ाना 300 मरीजों को खाना खिला रहे और 365 दिन का निज़ाम बना है इन्होंने और बहुत से इनके काम चल रहे हैं। रिसेंटली इन्होंने कैंसर हॉस्पिटल में ब्लैंकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूशन किया, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है सफा बैतुल माल का। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि सफा बैतुल माल को आपका ताउन करिए और इनके साथ काम करते रहिए। हम 911 के स्टूडेंट हैं, हमारे उस्ताद बहुत अच्छे हैं, हमको बहुत अच्छा सिखाए, बहुत घर के सर का ट्रीट करे और हम अच्छे से सीखे उनके पास। हमारे बाजी